नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है संदीप और उसके पूरे परिवार की। संदीप के परिवार में संदीप के अलावा उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था सपना और उसके माता पिता। संदीप और उसके परिवार में एक हंसी खुशी का माहौल हमेशा बना रहता था। सबके बीच प्यार बहुत ज़्यादा था। सब कुछ अच्छा चलते हुए अब संदीप की उम्र शादी की हो चुकी थी। उसके माता पिता को पहले संदीप की ही शादी करनी थी, इसलिए क्योंकि सपना उम्र में संदीप से लगभग 8 साल छोटी थी और अब संदीप के माँ की उम्र काफ़ी होने के वजह से साथ ही साथ कई सारी बीमारियों से ग्रसित होने के वजह से वो काफ़ी कमज़ोर महसूस किया करती थी। तो उनको घर में ये चाहिए था कि कोई एक ऐसा हो जो कि उनकी बेटी सपना के जाने के बाद उनकी बेटी बनकर हमेशा उनके साथ रहे। और तो और उनको हमेशा ये डर लगा रहता था कि उनकी ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं बची है, इसलिए उन्हें अपने बेटे संदीप की शादी अपने आँखों के सामने ही करवानी थी। उन्होंने लड़कियाँ देखना शुरू कर दिया। कई सारी लड़कियाँ देखने के बाद आखिरकार संदीप और उसके पूरे परिवार को एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम था अनीता। अनीता अपने परिवार की इकलौती लाडली बेटी थी। परिवार को भी सारे लोग पसंद आ गए और रिश्ता तय हो गया। कुछ ही दिन में शादी की बात भी तय हो गई और देखते ही देखते शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। शादी भी दोनों की काफ़ी धूमधाम से करवाई गई क्योंकि अनीता अपने परिवार की इकलौती बेटी थी और संदीप अपने परिवार का बड़ा लड़का था। दोनों घर की ये पहली शादी होने के वजह से दोनों परिवारों ने अपने अपने हैसियत के हिसाब से बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। शादी अच्छे से ख़त्म करने के बाद रात में ही लड़की की विदाई कर दी गई क्योंकि विदाई का मुहूर्त रात का ही निकला था। करीब करीब 3:30 बज रहे होंगे और लड़का लड़की जिस गाड़ी में जा रहे थे वो गाड़ी अचानक से रास्ते में बंद पड़ गई। आसपास की गाड़ियां भी, मतलब जो गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी, वो गाड़ियां भी दूल्हे की गाड़ी को देखकर रुक गए। वहां पर एक तरफ एक बस्ती थी और दूसरे तरफ घना जंगल। लेकिन जब सब लोग गाड़ी को उतरकर देखने लगे तो गाड़ी में कोई खराबी नहीं आई थी। उसमें शायद पानी खत्म हो गया था। बस्ती से ही बाहर एक पानी का नल लगा हुआ था जिससे कि पानी लेकर गाड़ी में डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी वहां से चल पड़ी और कुछ ही देर में सारी गाड़ियां घर के आगे पहुंच चुकी थी। माँ पहले से तैयारी में थी दुल्हन के गृह प्रवेश के लिए और जब दुल्हन का गृह प्रवेश करने के लिए आरती उतारी जाने लगी तब अचानक शगुन का दिया बुझ गया, जो कि कई लोग अब शगुन भी मानते हैं। लेकिन लड़के की माँ ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बोलते हुए कहा, अरे नहीं, आज हवा देखिए बाहर कितनी तेज चल रही है, शायद इसलिए दिया बुझ गया होगा। एक काम कीजिए, आप लोग सब इधर पीछे आकर खड़े हो जाइए ताकि ज़्यादा हवा ना लगे दिए को, मैं फिर से जला रही हूँ। ऐसा करीब करीब 3 बार होने के बाद बिना किसी आरती के सिर्फ कलश को गिराकर दुल्हन का गृह प्रवेश करा दिया गया, ये बोलकर कि आरती हो चुकी है। दुल्हा दुल्हन का कमरा पहले से ही तैयार था जिसमें उन दोनों को आराम करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन दोनों आज पूरी रात की शादी, विदाई और बाकी सारे मुहूर्त करके इतना ज़्यादा थक चुके थे कि अब दोनों को बहुत नींद आ रही थी। दोनों सोने के लिए चले गए और अचानक
करीब करीब सुबह के 5 बजे संदीप को अचानक कमरे में काफी ठंड महसूस होने लगी। उसने जब उठकर देखा तो एसी पहले से बंद था, तो फिर कमरे में इतनी ठंड क्यों थी? उसने कमरे की जो खिड़कियां भी खुली थी उनको भी बंद कर दिया। अब उसका ध्यान जब बिस्तर पर गया तो उसने देखा वहां उसकी पत्नी अनीता नहीं थी। फिर उसने कमरे के बाथरूम में चेक किया तो अनीता बाथरूम में भी नहीं थी। संदीप तुरंत कमरे से निकलकर अनीता को इधर उधर पूरे घर में ढूंढने लगा, लेकिन अनीता उसे कहीं भी नहीं मिली। और जब वो वापस अपने कमरे में आया तो अनीता अपनी ही जगह पर सो रही थी। उसे लगा शायद अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा, और वो ये सोचकर अनीता के बगल में चुपचाप जाकर लेट गया। अगली सुबह बाकी की सारी रस्में भी शुरू कर दी गईं और घर में काफ़ी धूमधाम का माहौल था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आस पड़ोस के सारे लोग इकट्ठा थे और गांव के बाकी के रिश्तेदार भी, सब लोग वहां पर आए हुए थे। सब दुल्हन को देखकर काफ़ी खुश थे क्योंकि अनीता सर्वगुण संपन्न लड़की थी जिसके पास खूबसूरती के साथ साथ बाकी के भी सारे संस्कार भरे पड़े थे। वो सारे रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान दे रही थी, जो कि बड़े बुजुर्ग हमेशा घर की बहू से उम्मीद करते हैं। और अनीता सबकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी थी। सारी रस्में खत्म करने के बाद अब दोनों अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। रात के करीब 11 बज चुके थे। अनीता अपने बाथरूम में चली गई और संदीप बाहर बैठकर उसके निकलने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी जब अनीता बाहर नहीं आई, संदीप ने दरवाजे को खटखटाते हुए अनीता को आवाज़ देना शुरू किया, लेकिन अंदर से अनीता की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो घबरा चुका था कि कहीं अनीता दिन भर के रस्मों के वजह से इतनी थक तो नहीं गई, या फिर उसे कमज़ोरी तो नहीं हो गई जिससे वो बेहोश हो गई हो। उसने दरवाजे को धक्का देना शुरू किया और थोड़ी ही देर में अनीता दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। वो अंदर फ्रेश होकर अपना मेकअप, गहने सब उतारने के लिए गई थी, लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो उसका रंग ढंग, उसके पहनावे और उसके मेकअप का तरीका काफ़ी अलग हो चुका था। उसने जिस तरह से अपना मेकअप किया था वो देखकर अचानक संदीप तो डर ही गया। उसने कहा, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुमने ऐसे अजीब से कपड़े, बिंदी, ये सब क्यों किया? तुम तो अंदर फ्रेश होने गई थी। और अनीता ने संदीप के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसको एक नज़र घूर कर देखा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। संदीप ने भी उसके बाद अनीता से कुछ नहीं कहा, उसे चुपचाप आराम करने दिया, क्योंकि वो जानता था शादी और रस्मों की भागा दौड़ी में जैसे वो थक गया है और परेशान है, वैसे ही शायद अनीता भी हो गई होगी। और अगली सुबह घर पर किन्नर आशीर्वाद देने के लिए आ चुके थे। अनीता अपने कमरे से तैयार होकर नीचे उतर चुकी थी, लेकिन आज भी अनीता ने बहुत अजीब ढंग के कपड़े पहने थे, बहुत अजीब तरीके से मेकअप लगाया था। और वो नीचे उतरते ही किन्नरों के बीच में उन्हीं की तरह जाकर नाचने लगी और घर वालों से शगुन की मांग करने लगी। ये सारी चीज़ें देखकर किन्नरों को भी थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो उन सबको उनके नाम से बुला रही थी। कैसे जानती थी अनीता उन सबके नाम? ये सारी चीज़ें होने के बाद घर वाले जब वहाँ शगुन देने लगे, तब उन्होंने अपने घर की बहू को एक तरफ खींचकर पहले अलग किया, फिर किन्नरों को उनका मनचाहा सब कुछ गिफ्ट
और पैसे देकर उनसे आशीर्वाद की मांग की। उन्होंने भी दिल खोलकर सबको आशीर्वाद दिया और वहां से जैसे ही जाने के लिए मुड़े, अनीता ने फिर से उनमें से एक का नाम लेकर बुलाते हुए कहा, तूने आखिरकार मेरे वो झुमके ले ही लिए ना जो तुझे चाहिए थे, कोई बात नहीं, जा तुझे दिया। ये बात सुनकर वो किन्नर अजीब तरीके से डर कर वहां से घबराते हुए तेजी से निकलकर सबसे आगे चली गई और ये बोलकर अनीता जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी। पहले तो उसका उन लोगों के साथ नाचना देखकर पति और बाकी के परिवार वालों को काफी अजीब लगा, लेकिन फिर उन्हें लगा अनीता को नाचने का शौक होगा, इसलिए वो भी उनके साथ नाच रही है। उन लोगों ने उस बात को आई गई तो कर दिया, लेकिन उसके इस तरह के बर्ताव से उन्हें काफी अलग महसूस होना शुरू हो चुका था। आज अनीता जब खाने के टेबल पर सबके साथ बैठी तो वो बहुत ही बेढंगे तरीके से टेबल की चेयर पर बैठी थी। उसने अपना एक पैर चेयर से नीचे लटकाया हुआ था और दूसरे पैर को अपने पहले पैर के घुटने के पास चेयर पर मोड़ कर रख लिया था और वो जैसे बैठी थी वो तरीका कभी भी आम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन अनीता को उस तरह बैठे हुए देखकर उसके पति ने इशारे में उसे पैर नीचे करने को कहा और अनीता ने उसे गुस्से से घूरते हुए खाने की टेबल से खाना उठाकर दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। वो जिस तरीके से खाने को खा रही थी, लग रहा था जैसे उसने जिंदगी में पहली बार या तो ऐसा खाना देखा है या तो फिर वो जन्म जन्म की भूखी है। उसकी ये हरकतें उसकी ननद और उसकी सास को काफ़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि अनीता बहुत ही पढ़ी लिखी और संस्कारी समझदार लड़की थी जिसको घर के सारे तौर तरीके सब कुछ बहुत अच्छे से पता थे। उसका ऐसा बर्ताव देखकर आखिरकार उसकी ननद से जब रहा नहीं गया तो उसने कहा, भाभी ये आप कैसे बैठे हो, कैसे दोनों हाथों से खाना लेके खा रहे हो, प्लीज़ पैर नीचे कीजिए और ये जो चबाते वक्त अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हो ये निकालना बंद करो, ऐसे खाना आप तो नहीं खाते हो। फिर ये सुनकर तुरंत ही अनीता ने अपनी ननद को उसके कंधे से धक्का देते हुए नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। ये चीज़ देखते ही उसकी सास ने तुरंत उससे कहा, बेटा ये क्या तरीका है, क्यों अपनी बहन को धक्का दे रही हो तुम, वो भी तो तुम्हारी बहन जैसी ही है और तुम्हें सही बात सिखा रही है, ऐसे अभी तो हम परिवार वाले हैं लेकिन तुम बाकी किसी के सामने ऐसी हरकतें करोगे तो कोई क्या सोचेगा, ऐसे नहीं करते बेटा, चलो पैर नीचे कर लो फटाफट। उसने अब अपनी सास को भी धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और जितनी ताकत से उसने अपने सास को धक्का दिया था उनका सर दीवार से जाकर टकरा गया। ये देखते ही अनीता अपने चेयर से उठकर जोर जोर से हंसकर ताली बजाने लगी और उसके ताली बजाने का तरीका काफ़ी अलग था। ये हरकतें करने के बाद वो तुरंत अपने कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा अंदर से लगा लिया और बार बार अंदर कमरे से किसी के बात करने की, हंसने की, तालियां बजाने की वैसी ही आवाज़ें आ रही थीं। ये सारी हरकतें देखकर अब आखिरकार उसके पति के सब्र का बांध टूट गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी के घर पर कॉल लगाया और उसकी माँ को सारी बातें बता दी। उसकी माँ ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा, बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरी बेटी इस तरह की चीज़ें करे ये मैं मान ही नहीं सकती,
आपने तो मेरी बेटी को देखा था, उसको हर चीज सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप जैसा पहनावा बता रहे हो, हमारी बेटी को हमने वैसे कपड़े आज तक कभी ना खरीद के दिए हैं और ना ही मेरी बेटी को वैसे कपड़े पसंद हैं। वैसे भी शादी की शॉपिंग के लिए तो वो आपकी ही माँ और बहन के साथ गई थी, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? इस पर तुरंत संदीप ने कहा, अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप आइए, आकर खुद यहाँ पर देखिए आपकी बेटी ने क्या किया है। मेरी माँ को धक्का देकर उनका सर फोड़ दिया है, और तो और उनका हाल चाल पूछने के बजाय खुद गुस्से में आकर उठकर अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाज़ा लगा लिया। ये सारी बातें काफ़ी अजीब थी पिता के माँ और उसके पिता के लिए, क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने अपनी बेटी को कितने और कैसे संस्कार दिए हैं, तो ये बात वो मान ही नहीं सकते थे। उन्हें भी अब ये चीज़ें खुद अपने आँखों से देखनी थी, इसलिए वो उस वक्त ही तुरंत अनीता के ससुराल के लिए निकल गए, और थोड़ी ही देर में वो उसके ससुराल पर आ चुके थे। और जब वो अनीता के कमरे में गए तो उन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल सामान्य पाया। उसका चेहरा, उसका मेकअप, उसके साड़ी का तरीका, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, और ये देखकर उन्होंने तुरंत अपने दामाद को आवाज़ देकर कमरे के अंदर बुलाया। संदीप भी जब कमरे के अंदर आया तो उसने अनीता का वो रंग ढंग, वो पहनावा देखकर उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने तो अभी थोड़ी देर पहले उसे अजीब से तरीके से देखा था, अब तुरंत उसने अपने कपड़े, अपना मेकअप, सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल लिया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और संदीप का पूरा परिवार एक ही बात कह रहा था, लेकिन अनीता के माँ बाप के सामने माहौल कुछ अलग ही था। अब उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो विश्वास करें तो किस पर करें। फिर भी उन्होंने अनीता के तरफ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि अगर अनीता ऐसी कोई गलती करे तो आप हमें तुरंत बताइए, हम आकर देख लेंगे कि क्या हुआ है और इन चीज़ों को ठीक कैसे करें। वैसे तो उनके हिसाब से उनकी बेटी बिल्कुल सामान्य थी, और उनके वहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद अनीता बिल्कुल सामान्य तरीके से ही व्यवहार कर रही थी। उसने अपनी सांस के चोट पर मरहम पट्टी भी कर दी थी। अब कहीं ना कहीं उसकी सास और ननद उससे डर रही थी। उन्हें उसके इस अजीब से बर्ताव से काफ़ी डर लग रहा था। अनीता अब अपने कमरे में वापस से जा चुकी थी, और वो अपने बिस्तर पर सो रही थी। पति संदीप जब कमरे में आया तो उसने अनीता को आराम से सोया हुआ देखा। ये देखकर उसने भी अपनी पत्नी को परेशान नहीं किया, और वो चुपचाप उसके बगल में सोकर यही सारी बातें सोच रहा था कि आज सुबह से जो भी चीज़ें उसने देखी उसमें से क्या सच्चाई था और क्या उन सब का वहम। लेकिन उसके समझ में कोई भी बात नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर में ये सब चीज़ें सोचते सोचते अचानक उसकी आंख लग गई, और जैसे ही उसकी आंख लगी उसे कमरे में अजीब सी तालियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। और जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसकी पत्नी अनीता वापस से कमरे में वैसे ही तैयार होकर बिस्तर पर उसके सामने बैठकर तालियां बजा रही थी, और अजीब तरीके से ठहाके मार मार कर हंस रही थी। अब उसने बोलना शुरू किया, तू कभी भी शादी का कोई सुख नहीं देख पाएगा। इस बात से संदीप को तुरंत किसी की कही हुई बात याद आ गई, और वो तुरंत भागकर अपने माता पिता के कमरे में पहुंच गया। उसने वहां जाकर अपने माता पिता को अनीता के उस अजीब से व्यवहार के बारे में फिर से ये सारी बातें बताई, और उसने कहा ये सारी चीज़ें उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है,
तो कल के कल उसे अपने कुलगुरु से दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे इसमें किसी अलग चीज की बू आ रही है। परिवार वाले भी उसके इस व्यवहार से काफी परेशान थे, इसलिए उन सब ने इस बात पर हामी भर दी। अगली सुबह घर पर कुलगुरु को बुला लिया गया था। वो जैसे ही घर में पहुंचे, तुरंत अनीता उनके सामने वैसे ही वेशभूषा में और वैसे ही श्रृंगार में उनके सामने खड़ी थी। वो अजीब तरीके से तालियां बजाकर, पान चबाते हुए, हंसकर, ताली बजाते हुए नीचे उतर रही थी। उसकी वैसी हरकतें देखते ही जैसे कुलगुरु को तुरंत कोई बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा, तुम लोग मैंने जो जो सामग्री बोली थी वो लाई है या नहीं? और घर वालों ने सारी सामग्री वहाँ पर लाकर रख दी। उन्होंने तुरंत अपनी पूजा शुरू की और अपने थैले से एक अभिमंत्रित भभूत निकालकर उसका एक गोला अनीता के आसपास बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो गोला बनाते जा रहे थे, वैसे वैसे अनीता की हंसी और तालियां बढ़ती जा रही थी। पूरे घर में सिर्फ अनीता की भयानक तालियों और हंसी की आवाज गूंज रही थी। गुरुजी ने तुरंत वो अभिमंत्रित भभूत का गोला बनाकर उसमें से बचा हुआ थोड़ा भभूत अनीता के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वो दर्द से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, जैसे उसके ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया हो। अब गुरुजी भी उस गोले के अंदर थे। उन्होंने सपना के सर पर अपना हाथ रखा और उसे उसी गोले में बिठा दिया। वो उस गोले में बैठकर अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। अब संदीप के घर में पूरा वातावरण बदल चुका था। सारी चीजें इधर से उधर अपने आप हिल रही थी, कुछ चीजें हवा में तैर रही थी। ये दृश्य देखकर पूरे परिवार वाले डर चुके थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि गुरुजी के यहाँ रहते हुए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचने वाला है। थोड़ी देर तक मंत्रों का जाप करने के बाद गुरुजी ने वापस से वो भभूत अनीता के ऊपर फेंकते हुए उससे सवाल करना शुरू किया और अनीता ने अब जवाब देना शुरू कर दिया था। अनीता ने बताया कि वो यही पास के किन्नर की बस्तियों की रहने वाली एक किन्नर है जिसका नाम रूपा था, और जब उसके शादी की रस्म चल रही थी तब पता नहीं कहां से संदीप उनके बस्ती में भूला भटका अंदर तक पहुंच गया था, और उसने जब उसकी शादी उनके देवता से होते हुए देखा तो वो वहां पर ठहाके मार मार कर हंसने लगा और सबका मजाक उड़ाने लगा। ये देखकर वहाँ के सारे किन्नर काफी गुस्सा हो गए थे। उन्होंने संदीप को वहाँ से भगाने की कोशिश की, लेकिन संदीप ने कुछ फोटोज और वीडियोस अपने मोबाइल से निकाल लिए थे और निकालने के बाद ये बार बार बोल रहा था कि मैं इन वीडियोस और फोटोज को पोस्ट करके अपने अकाउंट के लाइक बढ़ाऊंगा, और तो और ये कितनी मज़ेदार बात है। ये बोल बोल कर वो बार बार वहाँ पर खड़ा होकर उन सब का मजाक उड़ाए जा रहा था। ये देखकर रूपा को काफ़ी गुस्सा आया और रूपा ने उससे कहा कि तुझे हमारी ये शादी, हमारी ये रस्म सब मजाक लग रहे हैं ना, तू इनका मजाक उड़ा रहा है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज के बाद से तू तेरी जिंदगी में कभी भी शादी का सुख भोग नहीं पाएगा। तेरी अगर शादी भी होगी तो तेरी जिंदगी ऐसे ही मजाक बनकर रह जाएगी। लेकिन संदीप को वहां से निकालने के बाद भी रूपा के दिमाग से ये बातें नहीं जा रही थी। रूपा को ये काफी बुरा लगा था कि उसके इन रस्मों का, इन सारी प्रथाओं का इस तरीके से संदीप ने मजाक उड़ाया है, और उसके दूसरे ही दिन रूपा का एक्सीडेंट हो गया और रूपा की मृत्यु हो गई।
लेकिन रूपा की आत्मा वहीं पर भटक रही थी। और जिस दिन संदीप शादी करके अपनी नई नवेली दुल्हन को उसी रास्ते से अपने घर लेकर आ रहा था, तब मैंने उसकी दुल्हन पर अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि मुझे मेरे श्राप को सच करना था। इसने जिस तरीके से हमारी शादी, हमारी प्रथाओं का मजाक उड़ाया था, मैं भी इसकी ज़िंदगी को वैसे ही मजाक बनाना चाहती थी। इसलिए मैंने ये सब किया और मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि इस लड़के को अपने किए का ना तो कोई पछतावा है, ना ही इसे कोई फ़र्क पड़ा है। इसे क्या लगता है ये किसी की भी किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाकर सुख से रह सकता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूँगी। वैसे भी मुझे इसकी पत्नी का शरीर बहुत पसंद आ गया है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तो आप लोग यहाँ से चले जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये बात सुनकर गुरुजी को भी काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने रूपा को समझाना शुरू किया। रूपा कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिर गुरुजी को ये बात समझ में आ गई कि रूपा इतनी आसानी से शरीर छोड़ने वाली नहीं है। तब गुरुजी ने अपनी बाकी की क्रियाएं आरंभ और थोड़ी देर तक पूजा पाठ हवन सब कुछ करने के बाद आखिरकार उन्होंने रूपा की आत्मा को कैद कर लिया और उन्होंने एक कलश में रूपा की आत्मा को बांध दिया। उसके बाद वो वहाँ से वो कलश लेकर जाने लगे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने संदीप को कहा कि तुम्हारे वजह से इसके आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे प्रायश्चित के रूप में इसके आत्मा की मुक्ति के लिए जो क्रियाविधि मैं कहूँगा वो क्रियाविधि पूर्ण करनी पड़ेगी। फिर संदीप ने कहा, जी गुरुजी, जैसा आप कहें। वैसे भी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, ये भूल मुझसे अनजाने में हुई है, लेकिन इसके प्रायश्चित के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगा। फिर कुछ दिनों बाद गुरुजी ने संदीप से जो भी क्रियाएं उस किन्नर के आत्मा की मुक्ति के लिए करानी थी वो क्रिया कराकर उस आत्मा को मुक्त करा दिया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।